ओए ये तमीज नहीं है, तेरे बाप के घर तू खाना खा रहा है, सरकारी टेबल है ये। वो मैडम सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि मुझे आपकी गाड़ी पे रखना पड़ा। ऐसी क्या सिचुएशन हो गई थी जो तुम मेरी गाड़ी पे खाना खा रहा था? घर वालों ने तमीज नहीं सिखाई क्या, कहाँ खाना खाना चाहिए और कहाँ नहीं? मैडम आप बिना वजह जाने इतना ज्यादा मत बोलिए। मैं ज्यादा बोल रही हूँ? तूने जो ये किया ये ज्यादा नहीं है, जो तो मेरा ज्यादा लग रहा है। मैडम मैंने बोला ना कि सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे रखना पड़ा। तेरी सिचुएशन ना मैं खराब कर दूंगी अगर तू यहाँ से भी नहीं गया तो। मैडम आप ज्यादा बोल रही हो, पहले वजह तो जान लो क्या वजह थी। मैं ज्यादा बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं जाना। अरे मैडम ये क्या किया आपने? एक तो वो आपकी हेल्प कर रहे थे और आपने उन्हीं को इतना सुना दिया, उनसे इतनी बदतमीजी कर दी। मेरी हेल्प? नहीं मैडम आपकी हेल्प। एक चोर ने आपकी गाड़ी को अनलॉक कर ही दिया था, वो तो वो टाइम पर आ गए और वो चोर कैसे ऐसे करके भाग गया और वो यहीं पर खड़े रहे ताकि कोई दोबारा आके यहाँ पे चोरी ना कर ले। अरे ओए क्या कर रहे है? रुक रुक। किसी की हेल्प करने पर कोई ऐसा करेगा तो कौन किसकी हेल्प करेगा? शिट, ये मैंने क्या कर दिया? सुनो हाँ बोलो, कुछ रह गया क्या बोलने के लिए? बोलने के लिए तो कुछ नहीं रहा, बट कुछ देने के लिए रह गया। क्या? मुझे नहीं पता था तूने मेरी गाड़ी चोरी होने से बचाई है और मैंने जो तेरा खाना फेंका वो तो दोबारा खा लेना, ये रख अपना खाना ले लेना। बहुत घमंड है तुम्हें इन पैसों का? हाँ है तो। तुमने मेरा खाना फेंका, तुमने खाने की डिसरिस्पेक्ट की, वो तुम्हारी परवरिश दिखाती है। मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुमने मेरी बेइज्जती की, वो तुम्हारी परवरिश दिखाती है। मैंने तुम्हारी हेल्प इंसानियत के लिए की थी, रखो इन पैसों।